आशा है आपको ये डॉक्यूमेंट्री, जिसमें उपग्रह और उनके निर्माण से संबंधित, उनके उपयोग से संबंधित जानकारियाँ थीं, आपको पसंद आया होगा। हम आपको वापस अभियान नियंत्रण केंद्र में ले आते हैं। इस समय हम प्रक्षेपण से 6 मिनट्स 40 सेकेंड्स की दूरी पर। लेट्स हैव क्विक लुक अप द वेदर कंडीशन। वेदर प्लेसेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेट्स लुक एट सराउंडिंग ऑफ द व्हीकल। वेरी क्लियर, द विंड इज ब्लोइंग वेरी वेरी बिनाइनली। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल for any launch vehicle during the atmospheric phase of the launch. Attempts have already been made to measure these weather parameters as close as possible to launch moment. This is the vehicle. And use these wind conditions for biasing the steering program so that the vehicle travels very smoothly through the atmospheric regime, which is very crucial for the launch vehicle. Several balloons have been released for doing the measurement of the upper winds. During the course of measurement of these wind speeds, the first balloon is released approximately 2 hours 45 minutes before the liftoff. If you just look at it, it was at 18 kilometer, then 12 kilometer, then 6 kilometer. All these various altitudes, the wind velocities will be measured, and what we call as a date of launch wind biasing steering program, the generation and validation will be done. आप देख पा रहे होंगे केंद्र के अंदर विभिन्न केंद्र निदेशकों को बाकायदा आंकड़ों का गहन अध्ययन करते हुए ये विभिन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों को एक दिशा देते हैं। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर जो शार के वैज्ञानिक हैं, जो अलग अलग आंकड़ों से अध्ययन करते हुए, तो मौसम का मिजाज पूरी तरह से प्रक्षेपण के अनुकूल प्रतीत हो रहा है। सुबह से आसमान में कुछ छुटपुट बादलों का धुंधल का जरूर था, पर सूर्योदय होते होते आसमान बिल्कुल साफ हो गया और समुद्र के किनारे बसा ये प्रक्षेपण स्थल आर्द्रता की अधिकतम सीमा से जूझता रहता है। इस समय 9:24:29 हो चुके हैं। हम प्रक्षेपण से केवल 4.5 मिनट की दूरी पर। आज सुबह मापी गई वायुगति द्वारा कार्यक्रम को आवश्यकता अनुसार पुनः विकल्प किया जा सकता है, ताकि आरोहण के दौरान वायुगत की घर्षण भार को अल्पतम किया जा सके। आज प्रातः किए गए विस्तृत अनुकरण से प्रतीत होता है कि सभी मान अपेक्षाएं नियत सीमाओं के अंतर्गत हैं। केवल 1 मिनट की दूरी बनाई गई है, 9:28 से 9:28 मिनट प्रक्षेपण का समय बदला गया है। ये केवल प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस के होने के बाद किया गया है। जैसे 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता विंड वेलोसिटी से, उसी तरह से 1000 वोल्ट प्रति मीटर से कम अगर विद्युत क्षेत्र हो तो वो भी स्वीकार होता है। इस समय उसके किसी भी जानकारी से नकारा जा सकता है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इसरो की ही एक वाणिज्यिक इकाई है, जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्षेपण की किसी भी संभावना को तलाश कर उसे अंतरिक्ष उसे अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए विदेश की इन कंपनियों ने पिछले सालों में कई बार कई करार किए हैं, जिनकी परिणति आज आपके सामने है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा विगत कुछ वर्षों में 6 राष्ट्रों कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, कोरिया, गणतंत्र, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के कुल 28 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक बड़ी उपलब्धि है। इस समय हम केवल 3 मिनट की दूरी पर। आज के प्रक्षेपण यान के 3 संस्करण हैं, कोर संस्करण, 6 अतिरिक्त स्ट्रैप वाला स्टैंडर्ड संस्करण एवं एक्सेल संस्करण, जिसमें ये स्टेप ऑन मोटर स्टैंडर्ड संस्करण की तुलना में ज्यादा लंबे होते हैं। इग्निशन की प्रस्तुति बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल क्लोजअप व्यू। प्रक्षेपण यान PSLV C40 PSLV का संवर्धित या विस्तारित संस्करण है। इसमें 6 अतिरिक्त लंबे स्ट्रैप ऑन मोटर लगाए गए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पूर्व भी कई बार ऐसे PSLV XL संस्करण का उपयोग किया जा चुका है, तो इसरो को अब इसमें भी महारत हासिल हो चुकी है। लेकिन अंतरिक्ष अभियान इतने जटिल, पेचीदे और अनिश्चितताओं से भरे हुए होते हैं कि देश कोई भी हो, कितना भी विकसित क्यों न हो, तकनीक में कितना भी बड़ा महारथी क्यों न हो, अनिश्चितता असफलता की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सोमनाथ जी, डॉक्टर के शिवन, डॉक्टर ए शिव कुमार, किरण कुमार सर बाकायदा हर आंकड़ों को सूक्ष्मता से
देखते हुए इस समय 1 मिनट 40 सेकंड की दूरी प्रक्षेपण से अंदर के वातावरण का हम पूरी तरह से आभास कर सकते हैं। पूरा कॉन्फिडेंस, लेकिन जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अभियान कोई भी हो, अनिश्चितता बनी रहती है, तो कोई भी चांस नहीं लिया जा सकता। पूरी सतर्कता सजगता से सारे वैज्ञानिक अपने आंकड़ों का अध्ययन करते हुए यान का पथ संभावित कक्षा की पेरिजी और अपोजी अर्थात उपभू अपभू दूरियां, कक्षा की उत्केंद्रता एवं उसका झुकाव, अपेक्षित वेग इत्यादि अनेक ऐसे कारक होते हैं जिनके पूर्वानुमान के बिना ऐसे किसी भी अभियान की प्रकाशन पूरी कल्पना ही रह जाती। केवल 50 सेकंड की दूरी -50 seconds. PS2 VHPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. PS2 VHPP open. -20 seconds. बेहद नजदीक. -15 seconds. RCT pyro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 seconds. हमसे दूर जाता हुआ अंतर को प्रकाशित करता हुआ विस्तीर्ण और अनंत आकाश की नीरवता में अटूट संवेदना से चीरता हुआ लक्ष्य की ओर सतत अग्रसर भारत का ये यान घोषणा सारे विश्व के नाम भारत के निशान के रूप सफलता के आसमान सीमित है और वसुदेव कुटुंबकम हमारे पूर्वजों का मूल मंत्र हमारे जीवन का शायद इसीलिए PSLV यान प्रक्षेपण हेतु मानव निर्मित किन्हीं सीमाओं को न मानता है न जानता है। वो इन सब से परे सिर्फ समझता है तो अपने निर्धारित मापदंड स्ट्रैपांस अलग हो चुके हैं सफलतापूर्वक इस समय एल्टीट्यूड करीब करीब 40 किलोमीटर एंड जो ग्राउंड लिट पीसाम थे वो सेपरेट जो एयर लिट सेपरेटेड वो भी अलग हो चुके हैं। 92 सेकंड्स का समय बीत गया है। स्ट्रैपांस जो हवा में प्रज्वलित हुए थे वो भी अलग हो चुके हैं। इसके बाद कुछ ही क्षणों में फर्स्ट स्टेज या प्रथम चरण जो है वो अलग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज सेपरेटेड जी हाँ फर्स्ट स्टेज भी सेपरेट हो चुका और द्वितीय चरण जो सेकंड स्टेज है वो भी इग्नाइट हो चुका है 109.2 सेकंड्स के बाद। इस समय 86 किलोमीटर का रेंज और ऊंचाई लगभग सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल अभी तक का परफॉर्मेंस जो निष्पादन है वो पूरी तरह से सामान्य। ऊंचाई करीब करीब 99 किलोमीटर 100 किलोमीटर पहुंचती हुई 140 सेकंड का समय बीत चुका हुआ। द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह से सामान्य आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर 109.2 सेकंड्स पे जो द्वितीय चरण जलत और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था हीट शील्ड का पेलोड फेयरिंग का यान से सफलतापूर्वक अलग होना। आपको याद दिला दें कि यही वो घटना थी जिसने पिछले अभियान को पिछले मिशन को सफल नहीं होने दिया था लेकिन ये अलग हो गई और इस समय हम प्रतीक्षा कर रहे हैं सेकंड स्टेज के सेपरेशन की। द सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल इज परफॉर्मिंग नॉर्मल
At approximately 170 seconds, payload fairing was separated from the vehicle. The internal view of the mission control system, Mr. Mission Control Center, range operation director giving the detail. Second stage performance normal. The performance is normal. Almost 215 seconds time is lapsed with the relative velocity of around 3 km per second. Range is 288 km and altitude is 191 km while azimuth is 153.8. This is the parameter which is obtained. The internal view. Sare varishth vaigyanik, videshi grahak, foreign customers, they are observing the flight. Very happy moments because the performance is very satisfactorily. Maybe shortly we can hear the announcement of the PS2 separation. Second stage engine shut off. Third stage ignited. Ji haan. Dusra charan alag ho gaya aur third stage bhi ignited ho gaya. You can see the range plot in the screen after some third time stage performance normal. That the vehicle is going eastward nominally. We require very high orbit inclination of approximately 96 degree for Cartosat. So the vehicle will be maneuvering to get this desired inclination. This is what you are observing. In fact, various co-passengers too prefer this inclination. So there is no big issue in injecting these many satellites into the same orbit. During the coasting phase, basically vehicle will be simply climbing the altitude but losing the velocity, means kinetic energy and potential energy is being shared. Very close match between pre-flight and observed flight data, as you can observe here. Range operation director. All eyes on third stage separation. It's bit away. तृतीय चरण प्रमोचन के 264 सेकंड के बाद लगभग प्रज्वलित होता है जो परंतु तृतीय चरण के पृथक्करण के समय यान 335 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई पहुंच जाता है और इस पृथक्करण के समय वेग कमान 7.54 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है. इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 324 सेकंड का होता है. हम काफी नजदीक थर्ड स्टेज के सेपरेशन के अभी तक निष्पादन पूरी तरह से सामान वो यान को करीब करीब इस समय हम 340 किलोमीटर ऊंचाई पहुंच चुके हैं. वरिष्ठ वैज्ञानिक राकेश जी, अंतरिक्ष के डायरेक्टर, पूर्व केंद्र निदेशक शार के, वीएसएससी के, एसयू के, आप देख पा रहे होंगे इन्हें अपने स्क्रीन पर. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर अगले क्षण की घोषणा करने को तत्पर. कोस्टिंग नॉर्मल. कोस्टिंग पूरी तरह से सामान्य. तृतीय चरण के ज्वलन के पश्चात और अंतिम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के पूर्व निशक्ति समय या कोस्टिंग पीरियड जिसे कहा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. उड़ान अनुक्रम का निर्धारण प्राथमिक रूप से अभियान आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ताकि लक्ष्य की स्थितियों को इष्टतम रूप से प्राप्त किया जा सके. उड़ान के इस निशक्ति समय के दौरान रॉकेट मोटरों को बंद कर दिया जाता है ताकि निशक्ति समय के अंतिम क्षणों में चतुर्थ चरण को कुछ सेकंड के बाद प्रज्वलित किया जा सके. ये अंतिम चरण लगभग 500 टू 6 सेकंड तक का होता है. अभी तक का निष्पादन पूरी तरह से सामान्य. आप अपने स्क्रीन पे जो ग्राफ देख पा रहे हैं अनुमानित और अवलोकित पथ एक दूसरे को बिल्कुल फॉलो करते हुए. वी आर वेरी क्लोज मैच ऑफ observed data with the estimation and we are very close to the most important event awaited is the fourth stage ignition. Before that the third stage gets separated. Is
very important mission for us. We will be third stage separated. Yeah, third stage got separated at 494.8 seconds. As expected, performance is perfectly normal. 505. Fourth stage ignited. And fourth stage got ignited. This is the stage which is carrying the 31 satellites along with that to put into the orbit at desired altitude, desired location, desired orbit. Now, we are almost... Fourth stage performance normal. We are almost completed 530 seconds. Performance is perfectly normal. The relative velocity what we are getting as of now is 5.96 kilometer per second with a range of 1796 kilometer altitude is 470 kilometer close to. Performance puri tarah se normal. Chauthe charan ke prajwalan ke baad jo kaal hai use tab terminate kiya jata hai jab jitni bhi abhisht aaklan hai jitne bhi abhisht jankariyan hai wo aankde hain unhe prapt kiya ja sake. Fourth stage performance normal. सारा निष्पादन चौथे चरण का पूरी तरह से जैसा अपेक्षित था वैसा रहा. पूरे तीनों जो चरण थे उन्होंने जैसी हिम्मत देनी थी चौथे चरण को वो दी और चौथा चरण अपने गंतव्य तक ताकि उपग्रहों को यान से उनकी कक्षा में छोड़ा जा सके, अलग किया जा सके. इस समय हम 10 मिनट्स लगभग फोर्थ स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल 10 मिनट का समय व्यतीत करते कर चुके हैं और करीब करीब चौथे चरण के अंत में पहुंचते हुए केंद्र निदेशक एलपीएससी के जो आईपीआरसी के जो विभिन्न गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं. द डेटा विच यू आर गेटिंग इज अबाउट 2345 किलोमीटर्स रेंज विद एल्टीट्यूड ऑफ 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर एंड इंक्लिनेशन इज येट टू बी ऑब्टेंड आफ्टर फोर्थ स्टेज इंजेक्ट्स इनटू द ऑर्बिट. द ग्राउंड ट्रेस ऑन द राइट साइड बाय रेंज वर्सेस एल्टीट्यूड ऑन द लेफ्ट साइड ग्राफ. Dr. Annadurai, Dr. Tapan Mishra, Dr. Sobhnath, विभिन्न केंद्रों के निदेशक जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को एक दिशा देते हैं. सामान्य निष्पादन प्रारंभिक कक्षा में अंतक्षेपण या इंजेक्शन के पश्चात उपग्रह में लगी दोनों सौर पट्टिकाएं पूर्व नियोजित व समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तरित हो जाएंगी, डिप्लाय हो जाएंगी. कार्टोसैट दो उपग्रह को कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित स्ट्रैक भू केंद्र अपने नियंत्रण में ले लेगा. ये तब होगा जब कार्टोसैट-2 श्रृंखला के उपग्रह को 505 किलोमीटर की वृत्तीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाए. फोर्थ स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. जो भूमध्य रेखीय समतल के सापेक्ष में 97.47 डिग्री से झुकी हुई है. परफॉर्मेंस पूरी तरह से नॉर्मल. आज जो देरी हुई उसका एक विश्लेषण किया जाता है जिसे हम अंतरिक्ष वस्तु निकटता या प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस भी कहते हैं, ताकि इस बात की पुष्टि किया जा सके कि प्रमोचन को होने या न होने में कोई त्रुटि तो नहीं आएगी. इस विश्लेषण का आधार है संघट या टकराहट का खतरा. कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु से या डेब्रिस से यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है और इसी के कारण हमने एक मिनट की देरी की आज के यान में. ऐसा पहले भी हो चुका है, आपको याद होगा PSLV-C19 RISAT-1 में, PSLV-C20 सरल में, जब एक या दो मिनट की देरी की गई थी. The various stages get separated. The performance of fourth stage is normal. The spent stages of a multi-stage launch vehicle are separated from the main vehicle once their useful purpose is served.
The separation should be smooth and collision free under all possible circumstances. Separation events are mission critical and utmost important. PSLV employs various separation systems. The first stage separates from the vehicle using flexible linear shaped charge, FLSC, and retro rockets, then imparts the separation velocity. The various parameters being monitored at different screens in the mission control centers, that what you are observing. Fourth stage performance normal. So far, the fourth stage performance is perfectly normal. We have spent approximately 833 seconds time by crossing almost 3,570 kilometer range and altitude. We touched 516 kilometer. The heat shield halves are separated by linear bellow systems, exposing cord, which is encased in a piston cylinder assembly. Merman band bolt cutter separation mechanism used for PS2, PS3 separation. The PS3, PS4 separation uses ball release type mechanism, pyrothruster, providing the necessary rotation to the separation ring. The Cartosat-2 series satellite separation from the vehicle is based on Merman band systems. So the fourth stage performance normal. Fourth stage performance is perfectly normal. जैसा कि अभी आपने उद्घोषणा सुनी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर की, हम बहुत निकट अभीष्ट पैरामीटर के प्राप्त होने के बाद, आंकड़ों के प्राप्त होने के बाद, किसी भी क्षण चौथे चरण को अलग कर दिया जाएगा या उसका प्रज्वलन बंद करके उपग्रह को यान से पृथक कर दिया जाएगा. हम उसी घड़ी की प्रतीक्षा करते हुए 910 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं. लगभग हमें 996.8 सेकंड का समय व्यतीत करना है. जब कार्टोसैट 2 सीरीज का उपग्रह पृथक होगा, वो समय होगा करीब 1038.8 सेकंड. फोर्थ स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. अभी तक परफॉर्मेंस बिल्कुल नॉर्मल. हम कुछ ही 30-40 सेकंड की दूरी पर, अब हम बहुत नजदीक पहुंचते हुए उस घड़ी के जब उपग्रह यान से पृथक हो जाएंगे. लगभग 950 seconds has elapsed. Range what we touched is 4,340 kilometer and altitude is 509.6 kilometer. Orbit what we want to achieve is 505 kilometers. So we are very, very close. And the parameters what we are looking for is now almost coming closer. Inclination is 97.35, perigee is 82, apogee is 506.7 kilometer. Very close. Any moment the declaration, the udghoshana aa jayegi, aap sun payenge. Range operation director kadi nigah rakhe hue aankdon par. Mushkil se 1-2 second. फोर्थ स्टेज इंजन को बंद कर दिया गया है. यही बात मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ही आंकड़ों की प्राप्ति होगी, जैसे अभी आंकड़े प्राप्त कर लिए जाएंगे, इंजन को बंद कर दिया जाएगा चौथा चरण को. और अब केवल इंतजार है उस घड़ी का जब उपग्रह कार्टोसैट 2 सीरीज को उपग्रह पहले यान से पृथक होगा. आप राइट हैंड साइड के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शायद वो दृश्य चला गया है आपके स्क्रीन पर, पर मैं बाकायदा देख पा रहा हूं जो बहुत ही क्लोज व्यू. जब उपग्रह को कार्टोसैट 2 सीरीज का उपग्रह अलग हो गया है 1040 सेकंड के बाद, और इसके कुछ ही क्षणों के पश्चात जो डीएलए V4 वर्शन 4 है वो अलग होगा. और ये भी उपग्रह तैयार अलग होने की कगार पे, आप इसे अपने स्क्रीन पर कुछ ही क्षणों में देख पाए होंगे. हर्ष की लहर चारों तरफ. लियो प्रोटोटाइप सैटेलाइट सेपरेटेड, POC-1 सैटेलाइट सेपरेटेड. अब एक के बाद एक अनेक विदेशी जो भोक्ता हैं उनके उपग्रह अलग होते चले जाएंगे. 28 उपग्रह हैं और सबसे अंत में माइक्रोसैट
भारत के उपग्रहों का पहला शतक जो पूरा करेगा वो अलग होगा. लियो P1 सेपरेट हुआ, अब सारे उपग्रह के बाद एक सेपरेट हो जाएंगे. बड़ा अच्छा होता अगर आप इसे अपनी आंखों से अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होते जैसा मैं देख पा रहा हूँ मिशन कंट्रोल सेंटर के अंदर, क्योंकि एक कैमरा यान पे लगा हुआ है जो बाकायदा उस दृश्य को हम तक पहुंचा रहा है एक के बाद एक उपग्रह यान से पृथक होते हुए. उपग्रह कार्टोसैट को 5 वर्ष के लिए विकल्पित किया गया है. सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर नित नए कीर्तिमान गढ़ना न केवल चुनौतीपूर्ण होता है बल्कि बेहद रोमांचकारी भी. मुझे यकीन ही नहीं अपित पूर्ण विश्वास है कि आज जो नजारा, जो परिदृश्य आपकी आंखों ने देखा होगा वो अविस्मरणीय रहा होगा. आने वाला वर्ष ऐसा अनेक प्रक्षेपणों से भरा हुआ होगा. फ्रेंच गियाना से आप G-Sat-11 का प्रक्षेपण देखेंगे जो भारत का आपका सबसे भारी उपग्रह है. जी हाँ, सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक बेहद खुश. ये वर्तमान और आने वाले चेयरमैन भारत के अंतरिक्ष विभाग के किरण कुमार सर और डॉक्टर शिवन आपस में शायद ये डिस्कस कर रहे होंगे कि जैसी सफलता इसरो ने अभी तक हासिल की उससे कहीं आगे इसका रास्ता बनता है. हमें देश को नई सीमाओं, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा. G-Sat-6 से बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 2 जिसमें लैंडर और रोवर होगा, ISRO-1I जो पिछले फेल्योर्स के बाद उसका रिप्लेसमेंट होगा, ऐसे अनेक उपग्रह आने वाले वर्ष में अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ेंगे. ये सारी बातें आपसे कहने का अर्थ केवल इतना है कि देश की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो पूरी तरह से संकल्प और दृढ़ है. बाकायदा सारे फॉरेन डेलीगेट्स जो यहाँ पे MCC में अपने उपग्रहों के प्रतीक्षण में, अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के सेपरेशन की प्रतीक्षा में, मैं कोशिश करूँगा कि हमारे कैमरामैन फॉरेन डेलीगेट्स को दिखा पाएं. ये हैं वो विदेशी उपभोक्ता फॉरेन डेलीगेट्स, USA से, फिनलैंड से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, रिपब्लिक ऑफ कोरिया से, जो हमारे साथ जुड़े शायद कल नई संभावनाओं के साथ इसरो के साथ जुड़ेंगे. बहुत महत्वपूर्ण है ये घड़ियां जो हमें नई दिशाएं देते हैं. अगले कुछ ही क्षणों में हम पृथक्करण की प्रतीक्षा में, रेंज ऑपरेशन डायरेक्शन डायरेक्टर के उद्घोषणा के बाद इस ट्रांसमिशन के में महत्वपूर्ण घड़ी आएगी. इस समय 1280 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका. द रेंज वी हैव अचीव्ड इज 696. ऑफ कोर्स दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग नाउ बिकॉज दैट दिस व्हीकल पैरामीटर्स डज नॉट मीन एनीथिंग पर से फॉर द Cartosat-2. These are the graphs, or these are the screens which are fitted inside the mission control center, which we observe, and looking at these data, we give you the commentary. Shah Director Kunni Krishnan Ji, Chairman ke bilkul bagal mein, uske baad aane wale Bharat ke Antriksh Vibhag ke Chairman Shivan Sir baithe huye, Somnath Ji, तपन मिश्रा जी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के, डॉक्टर अन्नादुरई इसरो सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर के निदेशक. इसरो अनेक केंद्रों में बटा हुआ सारे भारत में जिसका विस्तार है. सारे केंद्र के निदेशक अपने अपने केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ, युवा वैज्ञानिकों के साथ आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहते हैं. ऐसा कोई भी अवसर नहीं गंवाते जब उन्हें भारत को आगे पहुंचाने के लिए नए कदम उठाने में कोई कमी रह जाती हो. ये वो वैज्ञानिक जिन्होंने लगातार पिछले शार के वैज्ञानिक जिन्होंने लगातार विगत कई दिनों से इस यान को इस स्तर तक पहुंचाने में बेहद अहम रोल निभाया. इस ट्रैक के वैज्ञानिक अगली पंक्ति में ऐसी कई पंक्तियां हैं जिसमें पूरे इसरो से विभिन्न केंद्र के वैज्ञानिक
लगातार आंकड़ों पर नजर रखते हैं. द फ्लाइट पैरामीटर पीएसएलवी C40 इन द वर्ल्ड मैप विच इज सीन हियर इज दिस इज व्हाट यू कैन लुक एट मी व्हाट आई एम गिविंग यू द कमेंट्री अलोन दिस टाइम विथ मी देयर इज नो माय को कमेंटेटर इन द इंग्लिश सो आई विल बी गिविंग द बोथ कमेंट्रीज इन इंग्लिश एंड हिंदी to all my viewers throughout the country as well as throughout the world. I wish you very, very happy new year with a gift from ISRO. The seniors which are continuously observing, probably we all are waiting for the separation of a few more satellites and we will be going for next TYVAK 61 separation, CBNT2 separation, INS1C separation, CICERO 7 separation, QP 1.1, 5.1, 5.4, 5.2, 5.3, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 separation. So these are the series of the sovereign satellites. So as I mentioned, there are 3 micro and 25 nano satellites from the foreign delegates. These are all pipelined for the separation from the fourth stage, one by one. And this entire scenario, probably if you can just look at it, approximately takes 300 seconds to complete the event. When Cartosat-2 series satellite was separated, it was 1038.8 seconds. And when the last separation of the foreign delegates will complete, it will be 1351.8. Subsequent to that, the fourth stage will be reignited twice to bring down the altitude from 505 kilometers to close to 359 kilometers. That will be the altitude for our microsat satellite. So, ideally, the all conditions are perfectly normal. We have to spend a few more moments for this. रेंज ऑपरेशन डायरेक्शन बड़ी बेसब्री से उस घड़ी की प्रतीक्षा करते हुए जब हम बहुत ही शार्टली फॉरेन कस्टमर्स के कुछ और उपग्रहों को यान से पृथक होता हुआ देख पाएंगे. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे श्रीहरिकोटा रेंज अर्थात शार के नाम से भी जाना जाता है, इसरो का अकेला ऐसा केंद्र है जहां से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है. आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में समुद्र किनारे स्थित है, जो पुलिकेट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है. एक छोटा गांव था जिसे 1969 में उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त पाया गया. दिस इज वेरी क्लोज व्यू ऑफ मिशन कंट्रोल सेंटर वेयर ऑल द सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर इंजीनियर्स, दे आर ऑब्जर्विंग दिस यूनिक मिशन where the fourth stage will be reignited. So reignition will be twice to bring down the altitude. Shar Center ki bhaugolik sthiti. Solar panels have started generating power. Receiver lock taken place. SPS system already tracking 5 GPS satellites. All nanosat separations confirmed. Okay. Power Commission Director. All nanosatellites have been separated and the Cartosat-2 satellite series is generating the power. It is tracking the sun and Sadanand Rao, who was the project director, announced that. I'm very happy to announce the successful accomplishment of PSLV C40 Cartosat-2 series mission. The completion is sare prasaran tak aap hamare saath lagatar bane rahe. Iske liye hum aapke aabhari hain. Aaiye hum aapko is samay abhiyan niyantran kendra mission control center ke andar bikhre utsah mein shamil hone ke liye seedhe wahi liye chalte hain. Bahut bahut dhanyawad. Namaskar. Jai Hind. Hello.